नमस्कार साथियों, मेरा नाम सागर तिवारी है और आज से एक नया प्रयोग करने का विचार बन रहा है मन में। वो ये कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से। 24 करोड़ की करीब आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है, एक विशाल क्षेत्रफल वाला भी राज्य है, 75 जिले हैं, बड़ा सा विधानमंडल है, 80 लोग जाते हैं लोकसभा में चुन करके उत्तर प्रदेश से, ऐसे ही राज्यसभा में भी 40 लोग जाते हैं। यानी कि राजनीतिक रूप से देखा जाए तो एक बड़ा स्टेट है। तो विचार ये बन रहा है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हर दिन पर डे एक छोटा सा ही वीडियो, चाहे 2 मिनट का ही वीडियो क्यों ना हो, उत्तर प्रदेश से संबंधित रोज़ बनाया करें, ताकि उत्तर प्रदेश के बारे में एक गहरी जानकारी धीरे धीरे बनती चली जाए। क्योंकि जिस राज्य के निवासी कोई भी हैं तो वहाँ के बारे में, वहाँ की राजनीति कैसी है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ का हिस्ट्री कैसा है, वहाँ पे जो करेंट मुद्दे चल रहे हैं, वर्तमान के समसामयिकी विषय क्या चल रहे हैं, उन सभी के बारे में जानकारी होना ज़रूरी होता है, परीक्षा के लिहाज से भी और एक जागरूक नागरिक के लिहाज से भी। तो हर दिन कुछ नहीं तो कम से कम 2 मिनट का वीडियो इससे संबंधित रहेगा। तो आज के वीडियो का जो विषय है वो ये कि कारागार अधिनियम जो है, जेल अधिनियम, उसमें सुधार करने की बात चल रही है। जैसे कि उत्तर प्रदेश को एक प्रकार से दबंगों का राज्य कहा जा सकता है, चाहे हम प्रतापगढ़ लें, प्रयागराज लें, ये सारे जो क्षेत्र हैं, पूर्वांचल के क्षेत्र जो हैं उत्तर प्रदेश में, वो दबंगों का एक प्रकार से हम क्षेत्र कह सकते हैं। एक समय में बिहार भी दबंगों का क्षेत्र कहा जाता था, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें तो गाज़ियाबाद जैसा जो शहर है, इसको भी हम दबंगों की श्रेणी में रख सकते हैं, दबंगई क्षेत्र की श्रेणी में। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के हिसाब से देखा जाए तो वर्तमान में भी कुछ ऐसे केस आते हैं जो इससे संबंधित होते हैं। तो मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की सरकार जो कारागार अधिनियम है उसमें सुधार करने की बात कर रहे हैं, कि कारागार अधिनियम को और ज़्यादा कठोर बनाया जाए। क्योंकि जेलें जो होती हैं, किसी कोई अगर गलत काम किया है तो उसको जेल में बंद किया जाता है, उसको सज़ा दी जाती है, लेकिन जेल का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि किसी को सज़ा देना उसका मकसद नहीं होता है। जेल का मतलब होता है कि किसी को सुधारना, यानी कि जेल एक प्रकार का सुधार गृह होता है। वहाँ पे आदमी जाता है तो जो उसने गलती की है उसको उसमें सुधारता है, प्रशासन उसमें सुधारती है, कुछ दंडात्मक कार्रवाई भी होती है, चाहे अर्थदंड के रूप में, चाहे अन्य सज़ा के रूप में, या कारागार को ही अगर सज़ा के रूप में ले लें तो वो भी एक सज़ा का रूप हो गया, क्योंकि उसमें एकांतवास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है, अकेलापन मिलता है, जो फ्रीडम होता है वो कहीं ना कहीं खोता है इधर उधर मूवमेंट करने का। तो जेल जो होता है वो सुधार गृह के रूप में होता है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे केस आए हैं कि जो दबंग टाइप के लोग होते हैं वो जेल से ही अपने जो गिरोह हैं, जो रंगदारी है, या जो रंगबाजी है, या किसी की हत्या करवाना हुआ, या कोई भी इलीगल काम करवाना हुआ, तो वो जेल में ही बैठे बैठे इस प्रकार के कांड करवा देते थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा सुधार करने की बात थी, पुलिस सुधार के रूप में इसको देखा जा सकता है, या एक जो आपराधिक श्रेणी की चीज़ें जो हैं उसमें भी सुधार करने के रूप में इस चीज़ को देखा जा सकता है। और उत्तर प्रदेश की सरकार का एक बहुत अच्छा पहलू है जो कि इसमें किए जाने की बात की जा रही है। आज के डेट में बात करें तो विधानमंडल ठीक प्रकार से चला, उसमें श्रद्धांजलि अर्पित की गई कुछ लोगों को, और कुछ अच्छे तरीके से, कुछ अच्छे तरीके से नहीं, यानी कि एक मध्यम तरीके से विधानमंडल आज का चला उत्तर प्रदेश में। कुछ लोग वर्चुअल तरीके से भी विधानमंडल में शामिल हुए, और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तेज़ी से तूल पकड़ रहा है लॉकडाउन के समय में भी, और वर्चुअल माध्यम से भी मीटिंग वगैरह आप संसद में भी होने लग रही हैं, और कोर्ट्स भी वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअली कोर्ट में सुनवाई हो, ऐसी भी कवायदें चल रही हैं, ऐसे भी विचार आ रहे हैं। तो जेल के बारे में सुधार करने की बात उत्तर प्रदेश की सरकार ने लेकर के आया है। विधानमंडल में इससे संबंधित एक बिल
पेश करने की बात की हैं, जो कारागार अधिनियम है, पुराना अधिनियम है, उसमें सुधार करके अगर कोई भी व्यक्ति जेल में रह करके अगर किसी प्रकार का इंटरनेट का प्रयोग करता है, मोबाइल का प्रयोग करता है, तो उसको जो सज़ा दी गई है उस व्यक्ति को 3 साल से 5 साल तक की सज़ा और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए 7 साल की सज़ा दी गई है और वो मोबाइल का इंटरनेट का प्रयोग जेल में कर रहा है, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसकी सज़ा बढ़ा दी जाएगी, 3 साल से 5 साल और कर दी जाएगी। इसके अलावा उसमें अर्थदंड की भी बात कही गई है कि 20,000 से लेकर 50,000 तक का उसमें अर्थदंड लिया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कई बार कि जेल में जो लोग कैदी होते हैं उनके पास से मोबाइल या कुछ अन्य चीज़ें बरामद हुई हैं, हथियार भी बरामद हुए हैं। और अगर हम कुछ ऐसी फिल्में देखें, जैसे एक अजय देवगन की एक मूवी थी, पिक्चर का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ राजनीति से संबंधित थे, उसमें भी इस प्रकार की चीज़ें दिखाई गई हैं मूवीज़ में कि जेल में रह करके कैसे एक दबंग टाइप का व्यक्ति एक इलीगल कार्यवाही चलाता है। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं, एक तो ये कि वो दबंग टाइप का व्यक्ति है, उसका दबाव है, दबदबा है समाज में, और पुलिस वाले भी उससे कहीं ना कहीं डरते हैं, इसके कारण भी इस प्रकार के कवायद हो सकते हैं कि वो जेल में बैठे बैठे काम कर रहा हो, गलत काम कर रहा हो और प्रशासन कुछ ना कर पा रही हो। एक दूसरा कारण ये हो सकता है कि प्रशासन की या जेल के जो कांस्टेबल हैं, पुलिस वर्कर हैं, वो उनका मिलीभगत भी हो सकता है इसमें, कि वो मिल करके ऐसे काम कर रहे हों। तो अब ये दोनों तरफ से पलटवार होगा, अगर इन दोनों तरीके से भी अगर कोई भी काम हो रहा है तो एक कड़ा तमाचा उनके ऊपर लगेगा इस तरीके से कि अब जेल से वो इस प्रकार का काम नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें अच्छा काम करती आई है, जब से माननीय योगी जी की सरकार बनी, उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को भी अपने कुछ ज़िले से दूसरे ज़िले में या अपने राज्य से दूसरे राज्य में भी ट्रांसफ़र किए, इसलिए कि वो गलत काम ना कर दें जेल में रहते हुए। तो योगी जी की सरकार इस क्षेत्र में अच्छा काम की है, और फिर से कारागार अधिनियम में ये सुधार करने की बात चल रही है, जिसमें पहले ही बताया कि 3 साल से 5 साल तक की अतिरिक्त जेल की सज़ा और 20,000 से 50,000 तक का अतिरिक्त अर्थदंड या अर्थदंड लगाया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है अगर इस प्रकार का बिल पास हो जाता है। इससे संबंधित अगर कुछ प्रोसेस आगे बढ़ता है तो उस पर वीडियो बनाएंगे, और ये पहला वीडियो है इससे संबंधित कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत डाइवर्स स्टेट है, तो इसमें हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी होती हैं जिसपे बातचीत करना आवश्यक होता है। तो ये पहला वीडियो है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा और क्या ये सही है इस प्रकार की वीडियो बनाना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी वीडियो हैं, जो करेंट्स में चल रहे हैं, जो उसकी हिस्ट्री है, जो कल्चर है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है उत्तर प्रदेश में, उन सब के बारे में हर दिन चाहे 2 मिनट का ही वीडियो क्यों ना हो, हर दिन उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश की एक मजबूत पकड़ हो सके। और उत्तर प्रदेश PCS की अगर तैयारी कोई कर रहे हों साथी, तो उसके लिए भी थोड़ा सा अच्छा हो सकता है उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी के लिहाज से। तो हर दिन कुछ ना कुछ 2-4 मिनट की इस पर बात करेंगे, जो कि परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगी और हमारा एक जनरल नॉलेज बढ़ाने के भी काम आएगा। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।